हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिर्सा ताबिक। सो गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैनवा क्या है और कैनवा को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली कैनवा हमारे पास डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं विदाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स के। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते थे डिज़ाइनिंग के लिए, मतलब हम शेप्स बनाते थे। ठीक है, हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कभी कोई ऑब्जेक्ट्स में बना रहे हैं, कभी कोई शेप बना रहे हैं। ठीक है, इतना लंबा उसमें प्रोसेस होता था। तो कैनवा हमारे पास जो है हमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, हमें बिल्ट इन शेप्स, ईच एंड एवरीथिंग हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोसेस को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, और उसमें हमें जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स की नीड भी नहीं होती, मतलब हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमें नहीं आती, कोई मसला नहीं। हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, बिल्ट इन शेप्स हैं, हम उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीड्स जो है हम उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को काम कर सकते हैं सारा। हम उसमें जो है ब्रोशर भी बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, ठीक है, कैलेंडर्स बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स, यहाँ तक के वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत सारे उसमें काम कर सकते हैं। और कस्टम साइज़ के टेम्पलेट्स भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं और कस्टम हम उसमें पोस्टिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए। ठीक है, हमें कोई उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नीड, हमें कोई भी हमें उसमें जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपना जो है कोई भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखते हैं इस पर किस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने ब्राउज़र पर आना है। ठीक है, ब्राउज़र पर आके आपने canva.com टाइप करना है। ठीक है, जब आप canva.com टाइप करेंगे तो कुछ तरह से आपको यहाँ का वेबसाइट डिज़ाइन दिखेगी। ठीक है, ये हमारा canva.com है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको समझ लेना। देखें, आपको यहाँ इंट्रोडक्शन बता रहा है कि रेडीमेड डिज़ाइन है यहाँ पर। ठीक है, बिल्ड फॉर टीम वर्क है और यहाँ पर आप इजी शेयर कर सकते हैं, यहाँ ढेर सारे टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी फंक्शन यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ साइनअप कर लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ साइनअप हूँ तो मैं लॉगिन कर लूँगा यहाँ से। अब आप चाहे गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, या यहाँ पे साइनअप दूसरा बना सकते हैं फॉर्म भर के। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस, लॉगिन करने के बाद ये हमारा उसका अंदर का लेआउट है। ठीक है, वेबसाइट का यहाँ पर आपको जो है होम स्क्रीन आपकी है। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको जो है डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, यहाँ पर आपको जो है ये मुख्तलिफ आपको लोगो मेकर मिल जाएगा, फ्लायर मेकर, बैनर, स्टार क्रिएटिंग है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये है बिज़नेस फीचर्स बता रहा है। ठीक है, एजुकेशन पर्पस लिहाज से अच्छा। सर्च और कॉन्टेंट, ये सर्च बार है, यहाँ टेम्पलेट सर्च करना है टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिएटर डिज़ाइन बटन है राइट साइड टू टॉप को, आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है मुख्तलिफ जो है बिल्ट इन लेआउट से पहले से, जैसे यहाँ यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, यहाँ से आप जो है डिफरेंट किस्म के यहाँ से आप जो है लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। ठीक है, या आप कस्टम बनाना चाहें, कस्टम साइजेस पे क्लिक करके या विदो हाइट सेट करके आप कस्टम बनाना चाहें तो कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ये हमारे पास होम स्क्रीन है, यहाँ पे आपको जो है होम स्क्रीन पे जो आपकी रिसेंट डिज़ाइन है वो मिल जाएगा। यहाँ लर्न एंड प्ले है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, तो क्लिक दिए हैं लिंक के। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड पर ये टेम्पलेट लिखा हुआ है, यहाँ से आप जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहें। कैनवा में बिल्ट इन टेम्पलेट भी होते हैं, फ्री वाले भी होते हैं और पेड वाले भी होते हैं। ठीक है, या आपने कस्टम बनाना चाहें कस्टम भी बना सकते हैं। अभी आखिर सारी टेम्पलेट गैलरी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहें टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें कि आपने जो है ये सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पर ये वीडियो के टेम्पलेट्स हैं, ये मार्केटिंग बिजनेस कार्ड्स के, लोगों के, पोस्टर, पोर्ट्रेट्स, ड्रॉ, यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ से हर प्लेटफॉर्म के या हर कस्टम लेआउट के आपको यहाँ से टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज वैसे मैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ सोशल मीडिया का, मैं ले लेता हूँ यहाँ फेसबुक पोस्ट, उस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास तो सारे टेम्पलेट्स आ गए। अब इसमें टेम्पलेट फ्री भी होते हैं और प्रो वर्जन भी होते हैं, प्रो वर्जन वाले पेड होते हैं, फ्री वाले जो हैं आप बिना किसी उस पर वाटरमार्क के उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ चाहे आप जो है अपना कस्टम भी बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई भी यहाँ टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे बोला कस्टमाइज इस टेम्पलेट, हमने कहा आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, चाहे तो आप जो है यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करके शेयर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है। अब जब हम यहाँ पर जो है कस्टमाइज इस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह के लेआउट पर ले जाएगा, यहाँ पर डिज़ाइनिंग डैशबोर्ड पे ले आएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला इस वाले डैशबोर्ड को समझते हैं कि यहाँ पे जो है फाइल है। ठीक है, यहाँ से आप जो है क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये शो रूलर एंड गाइड्स हैं। ठीक है, यहाँ रूलर एंड गाइड्स आ जाएंगे ऊपर टॉप पे।
ठीक है, इसको आप करना इस्तेमाल करना चाहें इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, शो प्रिंट ब्लीड है, ठीक है, सेव टू फोल्डर भी कर सकते हैं, मेक अ कॉपी भी बना सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ रिसाइजिंग भी है, आप रिसाइज़ करना चाहें रिसाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक टेम्पलेट का साइज़ होता है, ठीक है, इसको आप रिसाइज़ करना चाहें यहाँ से रिसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, आप ये देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया मलेशिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो ऊपर फॉन्ट दिए गए, यहाँ से आप फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ यहाँ फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ फॉन्ट का साइज़ है, इसको आप माइनस करेंगे छोटा हो जाएगा, यहाँ से प्लस करेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ यहाँ फॉन्ट का कलर है, ये टेक्स्ट कलर है, ये यहाँ से आप टेक्स्ट को कलर देना चाहें कलर भी दे सकते हैं, हमारे पास कलर पैलेट्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप कलर चेंज करना चाहें ऐसा कलर भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें इटैलिक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट है कि आप उसको सेंटर करना चाहें सेंटर कर सकते हैं, जैसे ये देखिए मैं थोड़ा इसको, अच्छा आप इस तरह जो है इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ठीक है, और सर इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यह आपके पास जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये देखिए ये राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, और ये वाली जो है मिड अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, और ये हमारे पास जो है जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पर राइट अलाइनमेंट है, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास बुलेट्स पॉइंट लिस्ट है, बुलेट पॉइंट से बुलेट पॉइंट में करना चाहें बुलेट पॉइंट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास जो है लेटर स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग है, जैसे मैं इस पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ इसको थोड़ा, एक मिनट इसको मैं हटा, अच्छा कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करना चाहे कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट करना चाहे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट करके मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ लाइन स्पेसिंग है, अब देखिए मैं लाइन स्पेसिंग ही करूँगा तो ये कहलाती है, मतलब मेरे पास जो दूसरी लाइन में जो मेरे पास जो सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट का, तो हम उसके लाइन स्पेसिंग देना चाहें उसको लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, उसको बढ़ाना चाहें उसके दरमियान जो गैप होता है लाइन का उसको बढ़ा भी सकते हैं उसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये लेटर स्पेसिंग है कि लेटर के दरमियान जो आप फासला करना चाहें, देखें ये लेटर के दरमियान फासला है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास यहाँ अफेक्ट्स हैं, यहाँ आप डिफरेंट अफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ शेप है, शेप देना चाहें शेप भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह की शेप्स हैं, ये कर्व स्टाइल है, शेप को कितना कर्व करना चाहें कर भी कर सकते हैं, माइनस में ले जाए ऊपर कर्व हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे शेप डिफरेंट स्टाइल है इसके, डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दे कम करेंगी तो उस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, ये मेरे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, इसकी राउंडनेस हो गई डिज़ाइन की, ये स्प्रेड हो गया इसका, ये ट्रांसपेरेंसी हो गई, इस पे जो पीछे जो बैकग्राउंड कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है आपने। ठीक है, यहाँ से कलर बैकग्राउंड का चेंज करना चाहिए, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एनिमेशन है, आप इसको एनिमेट करना चाहे एनिमेट भी कर सकते हैं। ये एनिमेशन है, ये देखें, इस पर एनिमेशन में क्लिक करेंगे, ये देखें। ठीक है, ये एनिमेशन स्पीड है, ये प्रो वर्जन में हमारे पास। ठीक है, ये ऑन एग्जिट पे करना चाहें, ऑन सेंटर है, ये बोथ है। ठीक है, और हमारे पास रिवर्स एग्जिट एनिमेशन है, ये देखिए बोल्ड राइटिंग है, ये स्टाइल है मुख्तलिफ, यहाँ से आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, और फिर आप आ जाएँ इसके अंदर, ये आपके पास अंडरलाइन है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अपर केस है, ये ऑलरेडी लेटर अपर केस में, जैसे टेक्स्ट में बस स्मॉल केस में होता है ना, उसको अपर केस में करना चाहें अपर केस में कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन है, पोजीशन से आप जो है, जैसे ये अभी एलिमेंट मेरे पास फॉरवर्ड है, ठीक है, अब मैं इसको बैकवर्ड भेजूंगा तो ये मेरे पास जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो बैकग्राउंड है इसके पीछे चला जाएगा। जैसे मैं इसको भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेंड बैकवर्ड करूंगा तो देखें दोबारा क्या मैंने, ये लेयर्स होती है हमारे पास। अब जैसे मिसाल के तौर पर
ठीक है, ये बैकवर्ड चला गया, ये देखिए ये वाला टेक्स्ट मेरे पास आ गया, ये बैकवर्ड चला गया। ये लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे फोटोशॉप में हमारे पास लेयर्स होती हैं, तो ये वाली लेयर जो है पीछे चली गई, ठीक है, और ये वाली लेयर आगे आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करना चाहें, मतलब लेयर्स आगे पीछे करना चाहें, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे देख लेते हैं, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। जैसे आपने कंट्रोल ए दबाएंगे हर चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, ओपन या डिलीट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो हर चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब टेम्पलेट्स में आके आप यहाँ टेम्पलेट सर्च करना चाहें, टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ उसको सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो जिस पे ये बना हुआ है ना प्रो, जिस पे ये ताज का निशान बना हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रो वर्जन के, ये फ्री में अवेलेबल होते हैं नहीं होते ये, ठीक है, या बहुत सारे वाटर मार्क आ जाते हैं। तो फ्री वाले जो है विदाउट वाटर मार्क आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी AI फाइल, उनकी इलस्ट्रेटर फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे ये तो प्रो है, कोई भी फ्री आपने उठा लिए, देखिए मैंने सेलेक्ट किया पूरा टेम्पलेट आ गया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये लेडी है, ये प्रो वर्जन की, इसने वहाँ वाटर मार्क दे दिया, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर दें, अपनी अपलोड करना चाहें अपनी अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, यहाँ बैकग्राउंड टेम्पलेट चेंज करना चाहें बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसको बैक इसको सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को यहाँ से कलर सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से कलर इसको चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद ही तो एनिमेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एनिमेशन ऐड किए थे ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एलिमेंट्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये टर्टल है, ठीक है, या स्टाइलिंग आ जाएगी, ठीक है, लाइन एंड शेप्स आ जाएंगी यहाँ पे, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, यहाँ वीडियोज़ हैं, यहाँ चार्ट मिल जाएंगे, टेबल मिल जाएंगे, फ्रेम्स मिल जाएंगे। फ्रेम का फ़ायदा क्या होता है, देखिए मैंने ये फ्रेम ड्रॉप किया, ठीक है, अभी देखिए बिल्डिंग शेप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स मिल जाएंगी, चार्ट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आइकन्स मिल जाएंगे, और मुख्तलिफ शेप्स आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये शेप उठा ली, इसमें मैं कलर डालना चाहूँ कलर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा करना चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, बड़ा करना चाहूँ उसको बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये शेप्स का फ़ायदा होता है हमारे पास, शेप्स हम डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये शेप ले ली, ठीक है, मैं इसका कलर रख देता हूँ ये वाला। अब मैं यहाँ शेप सेलेक्ट करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा फ्रेम, जब आप यहाँ फ्रेम लिखेंगे तो आपको पास तरह से शेप्स यहाँ मिल जाएंगी, बहुत सारी शेप्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने ये शेप ले ली, एक मिनट, इसको आप यहाँ से, ये आपको रोटेशन है, इसको आप रोटेट करना चाहें ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने ये रखी, ये मैंने कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल सी से आप कॉपी भी कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे कॉपी का यहाँ बटन है, कॉपी यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कॉपी किया और फिर आप यहाँ पेस्ट दोबारा कर सकते हैं, यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपसे पहले कंट्रोल वी टू कॉपी टू पेस्ट, कंट्रोल सी टू कॉपी, कंट्रोल वी टू पेस्ट, ठीक है। अब हमने कॉपी हुआ, मैंने कंट्रोल भी दबाया, ये हमारे पास पेस्ट हो गया। एक और ऑब्जेक्ट किया मैंने, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल दिया, ठीक है, मैंने किया इसको रोटेट, ठीक है। इनके मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे हम इनके ज़रिए फ्रेम्स के ज़रिए हम शेप्स बनाते हैं, मोस्टली ज़्यादा हम फ्रेम्स यहाँ इस्तेमाल से करते हैं कि हम यहाँ पे इनसे के ज़रिए शेप्स बनाते हैं। आप यहाँ लाइंस लिखेंगे, आपको लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स मिल जाएंगी आपको लाइंस की। ये देखें यहाँ कुछ आर्ट्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ चार्ट मिल जाएंगे, आइकन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। यह हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ आप टेक्स्ट बनाना चाहें, यहाँ से बिल्ट इन टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट स्टाइलिंग है यहाँ टेक्स्ट की बिल्ट इन, आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये प्रो वर्जन वाले आप चाहें फ्री वाले उठा लें, ठीक है, ये फ्री वाले, जैसे मैंने लिया ये उठा लिया मैंने टेम्पलेट, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको, अब ये देखिए ये ग्रुप में बना हुआ है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर आएंगे ये लिखा हुआ अनग्रुप, ये ग्रुप में होते हैं
ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप तीन चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया एक, मैंने ये सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये मैंने दोनों सेलेक्ट किया। अब यहाँ लिखा है ग्रुप, अब जब मैं ग्रुप के बटन पे क्लिक करूँगा तो इन दोनों को कंबाइन कर देगा, मतलब एक एक इनका ग्रुप बना देगा, एक ही लेयर में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने ग्रुप किया, अब ये देखिए मैं इनको आराम से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये ग्रुप में बन गए, अब ये दोनों साथ मूव होंगे, ठीक है। अब मैं इसको जब अनग्रुप कर दूंगा तो ये एक दूसरे अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये देखें, मतलब एक कंटेनर में दो ऑब्जेक्ट आ गए, अब हम उनको इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको अनग्रुप करेंगे तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अभी जब मैं अलग अलग, अभी अलग अलग मूव होंगे, अगर उनको साफ मूव करना चाहता हूँ, ग्रुप नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट दबाया, दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उनको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इससे आप थोड़ा खेलें इसकी डिज़ाइन, इसके यहाँ से यहाँ थोड़ा आप डिज़ाइनिंग से थोड़ा खेलें आप, और उसी फंक्शन से थोड़ा आप खेलें ताकि आप लोगों का हाथ साफ होगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पिक्सा पे है, या हमारे पास फ्री लाइब्रेरी है, फ्री वहाँ पिक्चर्स होती हैं, क्रिएटिव कॉमन्स होती हैं, यानी कि आप उनको थोड़ा कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको एट्रीब्यूट देना होता है ऑथर्स को, ठीक है। ऐसे यहाँ पिक्सल कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। कोई भी मैं इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मैंने ऐसी इमेज उठाई, ठीक है, ऐसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये बैकग्राउंड पर चली गई, ठीक है। या मैंने जो फ्रेम लिया, मैं फ्रेम के अंदर डालना चाहूँ, फ्रेम के अंदर भी डाल सकता हूँ ऐसे करके, ये देख, ये मैंने अभी इमेज मैंने पकड़ी हुई इमेज, ठीक है, ये मैंने फ्रेम में डाल दी, मैंने दूसरी इमेज उठाई, मैंने इस वाले फ्रेम में डाल दी, मैं चाहूँ तो उसको बैकग्राउंड भी डाल सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। या मैं चाहूँ कोई भी इमेज उठा के यहाँ आराम से लाया, मैं इसको रिसाइज करके कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको क्रॉप करना चाहूँ क्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। इमेज पे फिल्टर्स लगाना चाहूँ इमेज फिल्टर भी कर सकता हूँ, जैसे ये वाली इमेज है, अब मैं इसे फिल्टर लगाना चाहूँ, सेलेक्ट हुई भी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फिलिप, ये देखिए फिलिप हॉरिजॉन्टल करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगी, ये वर्टिकल फ्लिप करूँगा, वर्टिकल फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एडिट इमेज, यहाँ से हम जो है इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं इमेज का, ये देखिए ये ब्राइटनेस है, ये कंट्रास्ट है, ठीक है, ये सेचुरेशन है, ये देखें कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे फिल्टर्स हैं, ये समर फिल्टर है, ये इंटेंसिटी है इसकी, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे फिल्टर्स हैं, तो आप इनको अप्लाई करके देखें, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ मोर का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप जो हैं यहाँ से आप जो है इमोजी वगैरह यहाँ से डिस्कवर करना चाहें डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ फंक्शंस हैं, यहाँ इमोजीज आ गई, ठीक है, आप ऐड करना चाहें यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल मैप है हमारे पास, यूट्यूब है, ठीक है, मोर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपलोड के ऑप्शन में आके यहाँ से आप जो हैं अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ PNG इमेज है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ अपलोड हो जाएगी, तो मैं इसको फिर इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में यहाँ जो है ये इनसाइट्स का बटन है, ठीक है, यहाँ का आपको दिखा सकते हैं इंगेजमेंट वगैरह अगर आप शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप शेयर के बटन पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे बोलता है कि आपको शेयर करना चाहें, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक वगैरह पेज के ऊपर, अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड के क्लिक बटन पे, यहाँ मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइल टाइप, फाइल टाइप आप बता दें, JPG में डाउनलोड करना चाहें JPG में कर लें, PNG में कर लें, PNG स्टैंडर्ड है, SVG हमारे पास जो है वो है प्रो वर्जन की है, ठीक है। PDF प्रिंट करेंगे तो आपके पास जो है PDF फाइल डाउनलोड में होगी, ठीक है, तो मैं कह दूँगा PNG में डाउनलोड करके दे दो। यहाँ फाइल साइज़ है, ठीक है, आप फाइल साइज जब बढ़ा सकते हैं जब आपके पास जो है ये क्या कहते हैं प्रो वर्जन होगा। और हमारे पास जो है लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, आप चाहें तो जैसे जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ बैकग्राउंड रखा हुआ है, ठीक है, इमेज हटा दिया, अगर मैं इमेज हटा दूँगा तो ये मुझे बैकग्राउंड समीत जो है डाउनलोड करके देगी वाइट वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अगर आप ट्रांसपेरेंट डाउनलोड करनी है आपने वाइट विदाउट बैकग्राउंड के, मतलब खाली ये टेम्पलेट, मतलब ये मेरे पास जो फ्रेम है ये खाली फ्रेम्स, ये वाइड इमेज नहीं, तो आपको जो है प्रो वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये PNG में डाउनलोड हो गई, ये देखें, ठीक
ठीक है। जब आपको व्हाइट बैकग्राउंड से रिमूव करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपने प्रोवर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, वरना इसको आप फोटोशॉप से या किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से इस वाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, और हम इसको देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ आप क्रिएट अ डिज़ाइन है, इस पर आप क्लिक करके जो है यहाँ से आप जो है मुख्तलिफ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहा यूट्यूब थंबनेल है, यहाँ आप यूट्यूब लिखेंगे, सारे यूट्यूब के हमारे पास जो बिल्ट इन लेआउट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, जो यूट्यूब के जो हमारे पास अवेलेबल जो साइज़ हैं, जैसे थंबनेल का अलग साइज़ है, ठीक है, लोगों का अलग साइज़ है, वो सब यहाँ पर आपको दे देगा। अगर आप कस्टम बनाना चाहें, यहाँ आप कस्टम भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ कस्टम साइज़ लिखा हो, इस पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर रेंज भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसका वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पिक्सल में चाहिए, इंच में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। ठीक है, हमने कहा मुझे पिक्सल में चाहिए, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, ये 120x120 का डिज़ाइन बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेम्पलेट ढूंढना चाहें 120x120 जी के, आपको वो भी मिल जाएंगे, फ्री भी होंगे और प्रो भी होंगे। ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप जब मैंने आपको डिज़ाइनिंग सिखाई आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देखिए आ गया बिल्ट इन मेरे पास, कैसा हो गया ना ज़बरदस्त। ठीक है, जब कोई भी हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सब सेव करते हैं, तो हमारे वो प्रोजेक्ट के फोल्डर में होती है, जब हम canva.com में जाएंगे। ठीक है, canva.com में जाने, वहाँ पास जो ये प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, वहाँ पर हमारे पास जो है जो हमने डिज़ाइनिंग की होती है, वो हमारे सब यहाँ सेव हो रही होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने डिज़ाइन किया तो यहाँ सेव हो गया, फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कंट्रीब्यूटर हब है, आप चाहे अपने डिज़ाइन यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, अर्निंग्स हैं आपकी अगर आप यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और यहाँ आपकी अपलोड कहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपकी वो आ जाएंगी, डिज़ाइंस हैं, फोल्डर्स हैं, टेम्पलेट्स, ये टीम टीम की जगह है। ठीक है, ये आपके पास टूल है ब्रांड, ये आपके पास ब्रांड किट है यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम कोई भी किसी भी हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं या कोई भी हम ब्रांड ब्रांड बनाते हैं, तो हम उसकी ब्रांड सिस्टम बनाते हैं, उसकी पूरी आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ब्रांड आइडेंटिटी सिस्टम भी पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रांड पे आएंगे, यहाँ से आप प्लस का निशान पे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरे पास जो है प्रो वर्जन में, ठीक है, मगर ये फ्री वर्जन भी होनी चाहिए। ऐसे कलर पैलेट है, आप यहाँ कलर पैलेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं कलर पैलेट सेट कर दूंगा तो मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट मेरे उसमें शो रही होगी, कलर पैलेट -1। ठीक है, अब जब मैं कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करूंगा या कस्टम डिज़ाइन कोई भी बनाऊंगा, मेरे यहाँ शो रही होगी कलर पैलेट में। अच्छा, ब्रांड किट मेरे पास जो है वो कैनवा प्रो में है। ठीक है, ये आपके पास ब्रांड टेम्पलेट्स हैं, कैनवा प्रो में है। सो ये देखिए, किसी भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे, ये देखें आ गया मेरा, और 3 से ज़्यादा इसमें और नहीं डाल सकते, अदरवाइज आपको जो है वो चाहिए प्रो वर्जन चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ कॉन्टेंट प्लानर है, यहाँ से आप कॉन्टेंट प्लानिंग करना चाहें कॉन्टेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्कवर ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐप्स होंगी यहाँ पे, जैसा आप बैकग्राउंड रिमूवर है, बैकग्राउंड रिमूवर भी है इसके अंदर, बैकग्राउंड रिमूवर शायद वो पेड वर्जन का है। ये देखिए रॉकेट स्क्रीन है, ठीक है, QR कोड जनरेटर है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऐप्स हैं यहाँ पे, आपने इसके डैशबोर्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये देखें ये मॉकअप्स हैं हमारे पास, यहाँ मेंबर्स इनवाइट करना चाहे अपनी टीम के अंदर, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, हु इज़ इन योर टीम, तो ये अच्छा काम करता है प्रो वर्जन में। ठीक है, हम मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो वो हम सारी डिज़ाइनिंग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन था कैनवा का, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इंट्रोडक्शन, तो आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें ताकि आपका हाथ साफ़ हो उसके डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिज़ाइनिंग करेंगे।
हम फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, बैनर्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे, कैलेंडर डिज़ाइन करेंगे, पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे, वीडियो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, सारी हम डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे आने वाली सीरीज़ में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।